अरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। अलहमदिल्ला मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगी। तो आज मैंने बनाया था बहुत ही अम्मी बहुत टेस्टी डोरा केक। डोरा मोन में जो आप लोगों ने देखा होगा सीओ में, उसी से ये ज़्यादा ही मशहूर है। तो माशाल्लाह से हमने घर पे बनाया डोरा केक, तो आप लोग भी बनाइए घर पे इसको। अच्छा आप जो है पेन केक भी बोल सकते हैं, डोरा केक भी, लेकिन डोरा केक से ज़्यादा ही मशहूर है। तो चलिए मैं देख लेती हूँ किचन में चलते हैं अपने किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या लगने वाला है, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखा करें और लास्ट तक बने रहें, ये सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। ओके, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ डोरा केक, आप पेन केक भी बोल सकती हैं, डोरा केक ये नहीं, डोरा कप केक से ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कप जो है मैदा लिया है और एक कप शुगर पाउडर लिया है, पाव कप हमने लिया है कोका पाउडर और पाव कप हमने लिया है मिल्क पाउडर, ये आधा कप है, एक कप हमने लिया है दूध। ओके, यहाँ पे लिया हमने जो है ये देखिए नेस्ले का कॉफ़ी है, बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको रखा है। 5 चम्मच हमने लिया है बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच लिया है मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा। तो चलिए सबसे पहले इन सब चीज़ों को इसमें डाल देती हूँ बाउल में, एक छन्नी में, और इन सबको छान लेती हूँ फटाफट। ये देखिए यहाँ पर जाएगा शुगर, अब इन सबको छान लेंगे। तो यहाँ पे सोडा और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ डाल देंगे और कोकम पाउडर भी डाल देंगे और मिल्क पाउडर, इन सबको अच्छे से छानना है। सारी चीज़ों डाल दी मैंने, छान लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने छान लिया और ये देखिए इसमें मोटा मोटा सा रह गया है, तो इसको निकाल देती हूँ। अब यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक, नमक बहुत ज़रूरी है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हमने लिया है कॉफ़ी, इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, 1 कप हमने दूध लिया है और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि कोई लम्स ना रहे। थोड़ा थोड़ा डालिएगा, ज़्यादा लग सकता है मैदा पे है, कैसा मैदा, कभी कम भी लगता है कभी ज़्यादा भी लगता है। तो चलिए सबको मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा केक माशाल्लाह से इस तरह से हमने इसकी जो है देख लीजिए कितना, इतने ही रनिंग होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे रिबन बनना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, तो ये समझ लिया आपका बेटर हो गया। तो चलिए अब मैं फटाफट, तो यहाँ पे देखिए हमने फ्राई पैन रख दिया है और इसमें 2 बूंद तेल डाल दिया है। अब इसको जो है मैं टिश्यू पेपर से ग्रीस कर लूँगी, पोछ लूँगी। ये देखिए सारे तेल हमने पोछ लिया है। अब क्या करेंगे मैं यहाँ पर, हमने जो है एक ये देखिए इस तरह से चम्मच लिया है मैंने, इससे बनाना है जो नाप का आपको बनाना उसी टाइप का लीजिए चम्मच, कितना छोटा कितना बड़ा आपको बड़ा बनाना है तो बड़ी चम्मच ले लीजिए। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से हमें डालना है। ये खुद ब खुद देखिए फैल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अब इसको जो है 30 से 35 से मतलब सेकंड होता है ना, 30 सेकंड के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ और ढक के बंद करके। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसमें बबल्स आ गया, ये हो गया है, मैं इसको पलट देती हूँ। बस इधर इस साइड में तो थोड़ा कम ही लगेगा ये, और आपको आज को बिल्कुल स्लो रखना है। बस आपकी फ्राई पैन एक बार गर्म हो जाए तो बार बार आपको गर्म नहीं करना पड़ेगा। देख लीजिए आपका इतना प्यारा सा कलर आया है। ओके, बस आपसे बातें करते करते इधर भी हो जाएगा, आप देख सकती हैं बिल्कुल फूली फूली लग रही है। ये देखिए हो गया ना इस साइड में भी, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, साइड में रख देती हूँ इसको निकाल के। ये देख सकती हैं बिल्कुल पास से दिखाना, कलर मसाला बहुत प्यारा है। अच्छा यहाँ पे मैं हनी जो है साइड में रख दिया था, भूल गई थी डालने के लिए, तो आप लोग भी हनी डाल दीजिएगा। मैंने एक बना लिया, फिर 1 चम्मच हनी डाली बाद में। तो चलिए इनको अच्छे से मिला के फटाफट डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे डोरा केक बना लिया है। अब चलिए इस पे जो है चॉकलेट लगाना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हर्शी या नुटिल्ला ये दो में से एक लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो गिरा चॉकलेट भी बना सकती, मैंने बनाया नहीं, मेरे पास रखा हुआ फिर भी नहीं बनाई मैं, सॉरी हम। तो चलिए मैं उसमें दिखाऊंगी, ताकि जो है बहुत लोग नहीं बना पाते तो आपको ईजी हो जाएगा उसमें लगा उस चॉकलेट से। तो ये देखिए ये हर्शी है, ये चॉकलेट में लगाने वाली हूँ, आपके पास नोटोला है जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत स्पाइसी बना, बहुत मसाला से फ्लेफी बना हुआ है। तो अब क्या करूँगी मैं, इसमें चॉकलेट लगाने वाली हूँ, इस साइड से चॉकलेट लगाना है, इस साइड से नहीं। ओके, बिल्कुल आप देखिए आपको इजी हो जाएगा ये बनाना, जब इस तरह से आपके पास हर्शी या नोटोला होगा
चॉकलेट तो आप बना सकती हैं, तो इस पर 2 चम्मच में डालूंगी चॉकलेट। ये देख सकती हैं मैंने 2 चम्मच भर के डाला है, और ये अपने आप ही फैल जाएगा जब मैं दूसरी पीस रखूंगी। तो ये इस तरह से, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, पास से बिल्कुल दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डोरा केक बन गया, देखिए ना, आपको दिखा रही हूँ ना चॉकलेट। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत वाव, बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो चलिए मैं सारे चॉकलेट बना लेती हूँ डोरा केक, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए हमने सारी जो है माशाल्लाह से इसमें हमने चॉकलेट लगा लिया है, ये देख सकते हैं। अब एक काट के मैं आपको दिखाती हूँ कितना यम्मी दिखेगा आपको। ये देखिए मैं एक काट के दिखा रही हूँ, तो ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। ये देखिए ना चॉकलेट यम्मी। तो मैं अपनी बेटी को खिला के दिखा रही हूँ, वो बताएगी कैसा बना है। कैसा बना बेटा? यम्मा बना है, यानी यम्मी बना है। तो चलिए मैं भी एक बाइट खा लेती हूँ। तो आप मेरी वीडियो पर हैं नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड दोस्तों में भी शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ओके, तो यहाँ पर होती है मेरी वीडियो क्लास। मेरी भी अल्लाह हाफिज़।